हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को ठड्डा कमंचा लगाना सिखाएंगे। किस प्रकार ठड्डा कमंचा लगाते हैं और उसको देखते हैं कैसे लगता है। तो आज देखिए किस तरह से हम लोगों ने लगाया जा रहा है। हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि हम कैसे डिज़ाइनिंग पतंग का फॉर्मा काटेंगे। आप देखिए, हम ठड्डे पे सबसे पहले हम देखिए ठड्डे पे हम फेविकोल लगा रहे हैं। बहुत हल्के हाथ से लगा देंगे, अच्छे से एकदम पूरा मिलाना सही से है। सही तरीके से मिला दिए, अब ठड्डे को इसमें बना दिए। थोड़ा सा ऊपर से छोड़ना है, हल्का सा एक से दो सूत ऊपर से छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा वीडियो अभी हम सेट कर देंगे, फिर से दिखेगा। थोड़ा सा ये थोड़ा खिसक गया है वीडियो बनाते समय कैमरा, ठीक है। चलिए देखिए, हम फोम की मदद से दोनों साइड से अच्छे से साफ कर दिए। इसको देखिए, अब इसको साइड में रख देंगे करके, किधर उसे पकड़े ना। तो दूसरा हम लगाएंगे ठड्डा, किस प्रकार लगाएंगे देखना है इसको ध्यान से। नाप के चेक कर लेंगे, ठड्डे इधर उधर भाग तो नहीं रहा है। देखिए ठड्डा हल्का तो भाग रहा है, इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। देखिए ऊपर से हल्का ठड्डा भाग रहा है, इसको सही कर लेंगे। सेका हुआ ठड्डा है, थोड़ा सा इस प्रकार से हम पर जहाँ पर वो रहेगा उसको सही कर लेंगे। अब देखिए ठड्डा एकदम क्लियर हो गया। अब इसको जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा लगता है कि यहाँ पर गड़बड़ है, तो वहाँ पर अपना ठड्डा सही कर लीजिए। क्योंकि ठड्डा लगाना बहुत ही सही तरीके से अगर नहीं लगेगा तो पतंग इधर उधर भागती है। और फेविकोल लगा रहे हैं हम, थोड़ा डायरेक्ट लगा रहे हैं, आप कहीं फेविकोल रख के भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए अभी ये इस पर पतंग पर गिर जाएगा तो पतंग दिक्कत करेगा, तो साफ कर दिया नहीं तो सूख जाता, तो दिक्कत करता। इस प्रकार से हम फेविकोल उसमें लगा देंगे। कहीं निकाल के रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि फेविकोल देखिए झटका देना पड़ रहा है बार बार, तो हम उनको टाइम नहीं रहता, तो इसलिए हम बोलिए तो सूख जाएगा, हम बना पाए ना बना पाए इसलिए हमको दिक्कत होता है। अब कहीं निकाल के कर सकते हैं। ठंडा एकदम सही तरीके से चिपक गया। अब इसको फोम की मदद से हाथ के हल्के कर देंगे, फोम और अपने हाथों से अच्छे से सेट करके, क्या पीछे से भी कर देंगे, मतलब थोड़ा सा एकदम कहीं सुखड़ापन ना रहे तो अच्छे से आराम से हल्के हाथ से करिएगा। देखिए तो बहुत ही हल्के हाथ से करिएगा, नहीं ज़्यादा कर प्रेशर दे देंगे वहाँ पर गीला रहेगा तो फटने का डर रहेगा। देखिए हमने कुछ डिज़ाइन बनाया था पतंग का, सब डिज़ाइनों पे हम ठड्डा लगाया है। हम कुछ ही पतंगों का ठड्डा दिखाएंगे। देखिए ये लास्ट पतंग का समझ लें, इस पतंग का हम ठड्डा बना लिए हैं। देखिए इसको सही कर रहे हैं, इस तरह से हम दिखा रहे हैं। चार पांच पतंग बनाया था मैंने, डिज़ाइनिंग बनाई थी, तो उसको ठड्डे को लगा रहा। तो एक दो ठो और दिखा, दो ठो और है तो दोनों वो भी दिखा दे रहे हैं किस तरह से लगाना है। मतलब आप लोग को भूले ना, मतलब कहीं गलती ना हो, किस तरह से आप लगाइए और अच्छा अच्छे से अच्छी पतंग बनाइए आप घर पे बैठे बैठे। तो देखिए इस प्रकार से ठड्डा फिर से लगा दिया। थोड़ा सा 2 इंच ऊपर से, 2 सूत बोलते हैं, 2 सूत उसको ऊपर से, 2 इंच बोलते हैं ज़्यादा हो जाएगा, 2 सूत कहते हैं, उसको ऊपर छोड़ देना। तो देखिए इस तरह से लगा दिया, यहाँ पर देखिए हल्का सा छेद हो गया है वहाँ पर, तो हल्का सा कागज़ हटा से लटका दीजिए, पतंग के खराब नहीं आ रही। पीछे से हम
दूसरी साइड से भी 30 का अंतर होगा तो ओम की मदद से। देखिए अब मुंडे जल रहा है जो उसको काटते से दिखाए थे हमने, इसका डिज़ाइन बनाते समय हम आपके वीडियो बना हुआ है तो आप एक चैनल पे जाके देख सकते हैं किस तरह से डिज़ाइन काटे थे। सभी डिज़ाइनों का काटने का वो दिखाया हुआ है नाम से, इस तरह से हम फेरी बोल लगा सकते हैं। अगर हाथ लगाने का मन नहीं करा तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसे स्पीड से भी जाए आराम से। बहुत ही आराम से लगा लीजिए, वीडियो बनाने के लिए मेरे साथ कोई रहता नहीं है, हम अकेले ही बनाते हैं तो स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं। स्टैंड पे हमेशा देख के बात नहीं होती, टाइम पे एक ही चीज़ देख सकते हैं तो आप लोग थोड़ा सा बन गया। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, अब देखिए ये भी डिज़ाइन बनाया था, इसको भी इसी तरह से लगाएंगे। खड्डे को बहुत ध्यान से कोशिश कीजिएगा, बहुत ध्यान से लगाइएगा, खड्डा एकदम क्लियर करके एकदम सफाई करके, ऊपर का थोड़ा तीर की तरह रहे नीचे थोड़ा मोटा रहे तो पतंग बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है। देखिए ऊपर का हिस्सा पतला है नीचे का हिस्सा थोड़ा सा मोटा है, जैसे धनुष बनाते हैं उस तरह से। देखिए अभी पतंग का डिज़ाइन क्या हुआ, कितना अच्छे तरीके से वो है, अभी ये पूरा बनेगा इस तरीके से। अब देखिए इसको हम लगाना सिखाएंगे, कमंचा लगाना सिखाएंगे, ठड्डा लगाना सिखा दिया, अब कमंचा लगाना सिखाएंगे। तो फिर भी कोई थोड़ा सा ध्यान से लगे, हम थोड़ा कुछ ज़्यादा लगा दिए थे जिसके कारण थोड़ा सा ढीला हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई एकदम साफ सुथरा लगाइए, अच्छे से लगाइए। यहाँ से देखिए हम सेट लगा दिए, फोन की मदद से उसको हल्का सूख कर दिया, सूख जाए थोड़ा, तब तक हम दूसरे साइड हम फिर भी कोल लगाएंगे। अभी दूसरे साइड हम फिर भी कोल लगाने जा रहे हैं हल्का सा करके, आप हल्के हाथ से निकाल लीजिएगा और हल्के हाथ से लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादा फेविकोल लग जाने से दिक्कत हो जाएगा तो आप साफ़ नहीं कर पाएंगे इसको सही, तो आप थोड़ा सा देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिए लगा दिया हमने और इसको आराम से मोड़ दिया, ये आराम से मोड़ दिया वहाँ पर अच्छे से, नाखून की सहायता से आप थोड़ा किनारे किनारे सही करेंगे और फिर फोम की मदद से इसको एकदम बढ़िया से एकदम सफाई से लगाइए दोनों साइड पर, देख लीजिएगा कोई होना हो। अब देखिए पतंग एकदम सही हो गई, लोचदार है, देखिए एकदम बढ़िया डिज़ाइन में पतंग बन गई। अब देखिए हम इस पर लगाते हैं, किस प्रकार से इसको लगा के दिखाते हैं, देखिए किस प्रकार से हम लगा रहे हैं, चेक करके एकदम सही से लगाना है। नाप लीजिए पहले, इधर उधर भाग तो नहीं रहा है, अगर भाग रहा है तो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। कॉर्नर कॉर्नर का हिस्सा थोड़ा सही करना पड़ता है, मोड़ने में दिक्कत हो सकती है, देखिए एकदम सही से बैठ जाएगा तब हम आपको लगाएंगे। बढ़िया, ये हल्का सा यहाँ पर ज़्यादा रफ हो गया था तो इसको हल्का सा छील देंगे, कैंची की मदद से चाकू की मदद से हल्का हल्का छील देंगे। अब सही हो गया है और फिर उसको लगाएंगे साइड में, और जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट करके लगाएंगे। हो गया ये साइड हमने इस प्रकार से लगा दिया, थोड़ा सा ध्यान से अगर समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरे साइड लगाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दूसरे साइड पकड़ते हुए घुमाते हुए एकदम कि मतलब गलती ना हो, मतलब इस साइड से पकड़े रहिएगा, ऐसे नहीं कि मतलब उधर छोड़ दिए। अब देखिए जब इन साइड पकड़ लीजिए एकदम सही से एकदम सेट कर लीजिए, फिर उसके बाद छोड़िए इसको, उसको छोड़िएगा मतलब नहीं, क्योंकि फटने का डर हो जाता है, पहली बार अगर बनाते हुए नहीं तो फटने का डर ज़्यादा रहेगा, चांस रहेगा।
देखिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा बाद में इसको काट देंगे, इसको ज़्यादा जाता है बड़ा थोड़ा सा उधर से काट देते हैं। तो कभी कभी नापते हुए थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, कट गया। देखिए अब इसमें धागा लगाना शुरू करते हैं, देखिए किस तरह से धागा लगाते हैं। हमने दो ही पतंग का वो दिखाया, ठड्डा पांचों पतंग का दिखाया था, लेकिन इसको दिखा रहे हैं पूरा, तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, दिक्कत हो जाता है। देखिए किस प्रकार से धागा लगा रहे हैं, ये धागा बांध दिया, इस साइड से निकाला, दस ले जा रहे हैं। आपको दिक्कत होती है तो हल्का छोटा सा कागज़ ले लीजिए, इसको वहाँ पर चिपका दीजिए, मतलब भागे ना। बहुत छोटा सा कागज लेके काट के इसको, ठीक है, छोटा सा कागज ले लेते हैं, काट लेते हैं, साइड साइड से लगा देते हैं, इस तरह से लगा देंगे, धागा भागेगा नहीं इधर से, आराम से आप उसके बाद सेट हो जाएगा। पतंग में कढ़ाई भी की गई है, कहते हैं कढ़ाई हुई पतंग ये। ये इस प्रकार से हम इसको गांठ लगा दी। गोंद की मदद से लगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फेविकोल ख़त्म हो जाता है, तो धागा भी नॉर्मल होता है, धागा आराम से चिपक जाते हैं दोनों गोंद से, आराम से गोंद लगा के आराम से हल्के हाथ से चिपका दीजिए। होटल का मोड़ता जाएगा, मोड़ता जाएगा, आराम से लग जाएगा। ये पतंग का ये हो गया, हल्का हल्का गोंद की मदद से कहीं भी दर्जा उठा होगा तो आराम से चिपक जाएगा। ये देखिए यहाँ पर फेविकोल लगाने को इसलिए लगा रहे हैं कि वहाँ पर चढ़ने का डर रहता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा उधर फेविकोल लगा रहे हैं, आराम से लगा लीजिए, धागे को सेट कर लीजिए, एक साइड से उठाते हुए धागा एकदम लगाते हुए एकदम बढ़िया से, यहाँ पर पिन लग गया धागा एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे तरीके से तो सेट हो गए। लेकिन जब दिख नहीं रहा है कुछ भी, दूसरे साइड से भी देख लीजिए, ठड्डा जरा कमंचा जो है कमंचा दिखेगा नहीं थोड़ा सा, इसीलिए हम कह रहे हैं दो सूत छोड़ के पतंग का फॉर्म काटिएगा। इस साइड से एकदम क्लीन एंड क्लियर हो गया देखिए, जैसे अब ये पतंग का कभी भी ठड्डा भागेगा नहीं, इधर कमंचा भागेगा नहीं, इस तरह से थोड़ा ये हल्का सा कट वाली पतंग है, नीचे से ऊपर से गोल पतंग है, थोड़ा नए डिज़ाइन बनाए हैं, नए डिज़ाइन को किस प्रकार से इस तरह भी पीछे भी हम साइड भी ऐसे हम गोली लगा रहे हैं। बहुत ही प्यारी पतंग लग रही है देखने में, डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही है, और भी डिज़ाइने बनाए हैं उसको देख के देख लीजिएगा। और इस प्रकार से आप साइड साइड से भी लगा लीजिए आराम से, इसमें लगा दिया हमने, और इसको धागे को खींचते हुए अंदर करते हुए एक साइड से खींचते रहे तो लगा लगे आराम से धागे ऊपर चढ़ा दिए। इस प्रकार से पूरा कॉर्नर चिपक गया एकदम बढ़िया से, फोन से हल्का सेट कर दीजिए हम, क्योंकि दूसरे साइड से भी लगाते हैं दूसरा जी। बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए धागा लगाना सिखा दीजिए, धागा हम पहले भी सिखा चुके हैं, देख लीजिएगा उसमें, अब हम बता रहे थे ये देखिए इस साइड से भी लगा दिया,
बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सबको भी मोड़ के चेक कर देंगे, भागेगा नहीं बढ़ती तो पटने में डर कम हो जाए। ये एकदम देखिए अच्छे तरीके से एकदम सेट हो गया, बहुत अच्छे तरीके से लगाए हैं। ये लग गया धागा पूरा एकदम कम्प्लीट, बना हो गया। तो ऐसे ही हम सभी पतंगों में धागा लगा लेंगे। अब हम देखेंगे साइड साइड की पत्ती कैसे लगती है, उसको देखेंगे और ध्यान से थोड़ा छोटा छोटा दो दो काट के साइड से खींचते हुए थोड़ा लगा देंगे, टाइट हो जाएगा। ये लगा दिया इस तरह से और ध्यान से लगाइएगा इसको। अब देखिए हम बड़ी पत्ती लगा देंगे उस पर आराम से, कोल या गोंद लगा के कोई भी चीज़ लगा लीजिए आराम से, पूरा मिलाइएगा अच्छे हाथ से, दोनों साइड बराबर रख के जहाँ से हल्का हल्का कट था ये पूरा अच्छे से हो गया। हल्का से ये फोम्स की मदद से हम लगा दिया, दबा दिया, हल्का से इधर फिर कोल से पहले लगाएंगे पत्ती के नीचे, वहाँ से खुले उले ना तो आपको कटने की डर थोड़ा कम हो जाता, लेकिन फिर भी आपको बाद में टेप लगाना ही पड़ता है, बिना टेप लगाए पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। पत्ता हमने बहुत अच्छे तरीके से लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। साइड का पत्ते जो है आराम से चिपक गया, ये इस तरह से पत्ते लग जाते हैं। अब सभी पतंगों के ऐसे लगा लीजिए, स्टार हो जाएगा एकदम बढ़िया से, पत्ता ये लग जाएगा, साइड का पत्ता लग जाएगा। हर पतंगों का लगा लीजिए, देखिए सब पतंगों का हमने लगा दिया है पत्ता। हम देखिए सब पतंग किस प्रकार से आपको दिख रहे हैं, बेहतरीन देखिए, पाँच रंग के पतंग बन गए। अभी हम थोड़ा देर उसको सूखने के लिए रख देंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कितनी अच्छी पतंगें बनी है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ज़रूर से। चलिए अब हम आगे सिखाते हैं कि नीचे का पत्ता कैसे लगाना है। ये पत्ता एक साइड का हम लगा चुके हैं, उसका वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया है, तब हम ऊपर का हिस्सा बनाना सिखा रहे हैं। धीरे धीरे दोनों साइड देखिए तीली लगा देंगे और हल्का हल्का वन साइड सब तरफ लगा के मिलाने के बाद इसको हम ऊपर से किस तरह चिपकाएंगे देखिए। इस प्रकार से देखिए दोनों साइड लगाने के बाद तीली को सही से सेट कर लेंगे, इधर उधर होने का तीली लगाना ज़रूरी है कि इधर उधर कोई पत्ता मुड़े नहीं होता बस, इसलिए इसको लगाते हैं और डिज़ाइनिंग के लिए भी होता है। देखिए ऊपर से हम इस तरह से पत्ता चिपका देंगे, दोनों साइड से फोम की मदद से सीप पे थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे, तो जिससे काम जो है एकदम सही तरीके से हो जाएगा। हो गया बन गया। दूसरा पतंग का हम दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार से इसमें भी लगाएंगे, लगाया इस प्रकार से दोनों साइड से लगा दिया। बहुत आसान तरीका है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, उसको आराम से लगाइए। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लगाइए। बंदे लगे तीसरी बताएंगे, इस पतंग को बनाने में बड़ा सा दिक्कत हुआ था क्योंकि ये थोड़ी सी एक साइड से हल्की सी फटी हुई थी, उसके कारण हमको दिक्कत हुई इसलिए लगाया, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रही है इसमें आराम से इसमें। ये हमारे घर में बच्चा है, वो एक साइड का पतंग थोड़ा फाड़ दिया था, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। ये पत्ता लगा दीजिए, ये लग गया तो पत्ता लगा दीजिए आराम से, सही से देख लीजिए मिला के एकदम लगाइए तो नीचे का ध्यान से दोनों साइड से सीख को थोड़ा सा एकदम चिपक जाएगा, उछड़ने का डर नहीं जाएगा दोनों साइड से, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा काम कंप्लीट। तो इसी प्रकार से सब
वीडियो को बना लीजिए, मतलब जितने भी पत्ते लगा लीजिए उसको भी। अब ऊपर का थोड़ा सा साइड से हम इस तरह से जहाँ पर कन्नी बांधते हैं वहाँ पर हम खड्डे पे थोड़ा सा देखिए इस प्रकार से हम लगा देंगे। इसमें गोंद लगाइए कट करके, और छोटा बड़ा ले सकते हैं, हम थोड़ा बड़ा लेते हैं, यहाँ तक आराम से लगा लीजिए। बड़ा देने से ठीक लगता है, थोड़ा पतंग का अच्छा डिज़ाइन लग जाता है। छोटा भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको लगाने में, थोड़ा पतंग अच्छी लगती है इसके कारण हम तो बड़ा लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको भी लगा दिए, ऐसे ही सभी पतंगों में लगा देंगे तो आप एकदम क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद धूप में रखना मत भूलिएगा, थोड़ा धूप में रख देंगे तो सूख जाएगा, या आप ऐसे ध्यान रखिए थोड़ा सा मौसम गर्म हो या धूप में रख देंगे तो पतंग एकदम अच्छी हो जाएगी। धूप दिखाना सही होता है, जब धूप निकल जाए तो पतंग लगाना। देखिए इस प्रकार से देखिए उसमें भी हम वहीं पर ठड्डे पे चिपका देंगे, जहाँ अगर साफ़ सुथरा ना हो तो उसको सही से साफ करके इसको लगा देंगे। ये इसमें गोंद लगा दिया, इस प्रकार से लगा दिया, और फिर यहाँ से मेरे पास इसको उठाएँगे आराम से इसको लगाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम लगा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से इस पर बस फोन की मदद से आराम से हो गया। तो पतंग इस तरह से आप बना सकते हैं, पतंग पूरी कंप्लीट हो गई है, बस अब कमंचे पे वो लगाना है, पत्ता लगाना है, तो भी ये हो गया पूरा। इस प्रकार से आप पतंग कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए सब तरीके सब पे हमने पत्ता लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, ठड्डे पे लगा दिया, इस तरह से आप पतंग बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।